हाँ जी बच्चों नमस्कार। बेटा जी आज असी क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करन जा रहे हैं। ठीक है तो बेटा जी कुछ अपना देखते हैं इन्हों दे बेसिक्स क्या है। तो आ देखो बेटा हुन देखो सानू पता साढ़े कोल फंक्शन है ना। सानू बेटा जी पहले ना सब तो पहले जिदा हुन अपने कोल फंक्शन है इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा जी अगला कोस इनवर्स एक्स। अगे बेटा जी अपने कोले टैन इनवर्स एक्स। अगे बेटा जी कोट इनवर्स एक्स। ठीक है नेक्स्ट बेटा जी सीकंट इनवर्स एक्स। ते नेक्स्ट बेटा जी को सीकंट इनवर्स एक्स। असी देखिया पहले भी इना छे जड़े ना देखो साइन एक्स कोस एक्स टैन एक्स कोट एक्स सीकंट एक्स ते कोसीकंट एक्स ए अपनी नैचुरल डोमेन दे उपर ना तो यह बेटा बनमन है ना ओन टू है। ठीक है हुण तुहानू पता भी सिर्फ उन्हां फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता जिहड़े फंक्शन वन वन ते ओन टू होण। ठीक है ते बेटा जी सानू पता भी इन्हां दा इनवर्स किहदा जी साइन एक्स का कोस एक्स टैन एक्स कोट एक्स सीकंट एक्स ते कोसीकंट एक्स दा इनवर्स एग्जिस्ट करन वास्ते असी इन्हां दी डोमेन ते कोडोमेन विचों रेस्ट्रिक्ट कीतियां ते आपां देखिया सीगा पहले लैक्चर च भी असी किद्दां इन्हां नूं याद करना। हुण तुहानूं बेटा जी तुहानूं फिर मैं कर रहा रिवाइज एक बार भी हाउ वी कैन रिमेंबर द डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। आ देखो बेटा ध्यान नाल असी किता भी असी इन्हों ना दो बन लिया बेटा ग्रुप याद रखियो। पहला ग्रुप है अपने कोले तुसी ग्रुप तैयार कर लो। ठीक है फर्स्ट ग्रुप च बेटा आप रखांगे फंक्शन केड़ा बोलो जी पहले रखांगे फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है जी तो इधर जी बेटा जी साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी ओके क्लियर। नैक्सट बेटा जी केड़ा को सीकंट इनवर्स एक्स बिल्कुल सही गल है। अगे बेटा जी नैक्सट है टैन इनवर्स एक्स ये अपना फस्ट ग्रुप है फस्ट ग्रुप। तो बेटा जी डोमेन द प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ रेंज इस फंक्शन की किदा अपन ने याद करनी एक गल याद रखियो बेटा जी डोमेन पहली गल तो टैन इनवर्स की रियल नंबर बिल्कुल सही गल है। तो बेटा जी डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन की -1 to 1 तो कोसीकंट की बेटा आएगी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है अगे बेटा जी रेंज हुण तुसी रेंज वास्ते ना देखो इहदा लिंक जिहड़ा ना वह है फस्ट क्वाड्रेंट्स नाल ते नाल बेटा जी फोर्थ क्वाड्रेंट नाल ये ख्याल रखिए। इहदी रेंज है अपने कोले क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है बेटा जी हाँ नैक्सट कोसीकंट इनवर्स की रेंज किन्नी आनी थोड़ा दस्या बेटा जी गल यह है कि साढ़े को जड़ा है ना अपने को रेंज वास्ते जा रहे अपना फ्रॉम -π/2 to π/2। ठीक है जी तो इतने बेटा जी 0 है ये अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट है बिल्कुल सही गल है ये अपने को फस्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है हुण सानू पता भी जो कोसीकंट इनवर्स है ना वो साइन इनवर्स से टैन इनवर्स से बिल्कुल सेंटर जा रहा तो इहदी रेंज याद करने वास्ते तुसी लिखनी रेंज इहदी है इहदी बोलो जी साइन इनवर्स दी बिल्कुल। पर साइन जिहड़ी ये रेंज है ना इहदे विचकार कौन है वो 0 है तो बच्चों जी वो 0 बाहर निकाल दो कोई डाउट। ठीक है हाँ हुण क्या करना आपां ने टैन इनवर्स एक्स दी प्रिंसीपल वैल्यू रेंज लिखनी तो क्योंकि टैन इनवर्स लास्ट विच है तो बेटा जी लास्ट पॉइंट कड़ी है ये -π/2 to π/2 ये दोनों पॉइंट्स निकाल दो तो असी करता ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। लो जी ये अपने को टैन इनवर्स एक्स की रेंज आ गई। ठीक है ये देखो जी ये डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है जी रियल नंबर एक्सैप्ट -1 to 1 ये निकालते पॉइंट्स तो बेटा जी टैन इनवर्स की किन्नी जी और रियल नंबर। ठीक है रेंज वास्ते थानू पता ग्रुप जो बनते एलीमेंट्स है ना जो मैंबर्स है साइन इनवर्स
कोसीकेंट इनवर्स ते टैन इनवर्स, ठीक है जी। इन इन्हों का लिंक है ना, जी रेंज है वह बेटा जी फस्ट क्वाड्रेंट ते फोर्थ क्वाड्रेंट आनी, ठीक है। तो असी पहले देखो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, जदों बेटा जी कोसीकेंट इनवर्स आ गया ना क्लीयर सेंटर च है, तो इन्हों के सेंटर जो पॉइंट है वो अपने निकालता वो जीरो माइनस जीरो करता, तो ये लास्ट में सीगा, ठीक है। तो बच्चों असी क्या करता, असी लास्ट पॉइंट एक्सक्लूड करते, ये आ गया ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। हूँ बेटा जी तीन मैंबर की सानू याद हो गई, साइन इनवर्स कोसीकेंट इनवर्स ते टैन इनवर्स की क्या जी डोमेन भी तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी। हूँ ग्रुप टू जो बाकी मैंबर आते आ देखो ध्यान, ग्रुप टू च क्या करना अपने, देखो ग्रुप टू च कि मैंबर आए, बेटा वो आया फस्ट मैंबर अपने कोस इनवर्स, हाँ कोस इनवर्स। सैकेंड मैंबर बेटा जी सीकेंट इनवर्स, तो थर्ड मैंबर बेटा जी कोटेंजेंट इनवर्स। हुण इन्हां दी आपां करांगे डोमेन भी तो रेंज भी याद। एक गल याद रखियो बच्चों, इस ग्रुप का जिहड़ा लिंक है ना वह है फस्ट क्वाड्रेंट नाले सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। बच्चों ग्रुप नंबर टू है बिल्कुल। तो हूँ देखो जी पहली गल डोमेन तो इन्हों की उही रहनी जो पिछे सी रियल नंबर, बच्चों इतने क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, तो इतने बेटा जी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, ये तो पिछला ही बेटा जी क्या आ गया कॉपी पेस्ट आ गया बिल्कुल, जो पिछे सीगा वही से इतने आ गया। अगे देखो रेंज वास्ते असी करना क्या, ये बेटा क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, बिल्कुल जीरो टू पाई इहदा लिंक है फस्ट क्वाड्रेंट ते नाल बेटा जी सैकेंड क्वाड्रेंट, इहदे बिल्कुल सेंटर च कौन आया पाई बाय टू, ये फस्ट क्वाड्रेंट है तो बेटा जी ये अपने कोले सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। अगे देखो एक ना आ गया जीरो टू पाई, हाँ ये हुण विचकार कौन है बिल्कुल पाई बाय टू, करो एक्सक्लूड ये आ गया माइनस पाई बाय टू। अगे बच्चों इत्थे क्या जी ये अपने को आ गया ओपन ट्रबल जीरो टू पाई, ओपन ट्रबल जीरो टू पाई, कोई डाउट बेटा जी, ठीक है बिल्कुल वही। देखो पहले क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, सैकंड जी तुसी बिल्कुल विचकारला पॉइंट निकालता पाई बाय टू, तो लास्ट बिच बेटा जी तुसी ये दोनों आखरले पॉइंट्स एंड पॉइंट्स निकालते ओपन इंटरवल जीरो टू पाई। ए ग्रुप टू की क्या होगी डोमेन ते रेंज, मेरे ख्याल से बेटा जी थोड़ा हूँ तरीक ये लग गया पता कि हाउ वी कैन रिमेंबर दीज डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा जी इन्हें इन्हों का डोमेन ते रेंज का वेरी वेरी इंपोर्टेंट रोल, ठीक है ये पूरे चैप्टर करन च थोनों इत्थे भी काम आना, ये बेटा जी थोनों डेरीवेटिव भी काम आएगा ते नाल नाल बेटा जी थोनों इंटैग्रेशन भी काम आएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। तो हुण देखो अगे देखो ध्यान नाल नैक्सट कुछ बेटा जी फार्मूले भी है वो देखो। नंबर वन पहला फार्मूला बेटा पता क्या है, देखो फस्ट मैंबर ऑफ फस्ट फैमिली साइन इनवर्स है, फस्ट मैंबर ऑफ सैकेंड फैमिली एक कोस इनवर्स है, दोनों इक्वल टू किन्ने आते पाई बाय टू, एक गल क्लीयर है, ठीक है जी बिल्कुल। अगे बेटा जी नैक्सट फार्मूला, हूँ सैकेंड मैंबर ऑफ फस्ट फैमिली कोसीकेंट इनवर्स एक्स, तुम्हें पता सैकेंड मैंबर ऑफ सैकेंड फैमिली सीकेंट इनवर्स एक्स, वाह क्या बात है, वंस अगेन इट इज इक्वल टू पाई बाय टू। नंबर थ्री अगे बेटा जी थर्ड मैंबर ओफ, हाँ थर्ड मैंबर ऑफ फस्ट फैमिली टैन इनवर्स एक्स, अगे बेटा जी थर्ड मैंबर ऑफ सैकेंड फैमिली कोट इनवर्स एक्स, वंस अगेन इट इज इक्वल टू पाई बाय टू, बिल्कुल फर्स्ट मैंबर ऑफ फर्स्ट फैमिली प्लस फर्स्ट मैंबर ऑफ सैकेंड फैमिली इक्वल टू पाई बाय टू, सैकेंड मैंबर ऑफ फर्स्ट फैमिली प्लस सैकेंड मैंबर ऑफ सैकेंड फैमिली इट इज इक्वल टू पाई बाय टू, ग्रुप जो आप लिखा, ठीक है। अगे बेटा जी थर्ड मैंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप कह लो, ठीक है प्लस सैकेंड मैंबर ऑफ सॉरी थर्ड मैंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड मैंबर ऑफ सैकेंड ग्रुप इज इक्वल टू पाई बाय टू। एक होर देखो फिर मैं गल दसदा, ये बड़ा काम आना सानू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है जी। नंबर टू अगे बेटा जी कोसीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, अगे बेटा जी टैन इनवर्स
माइनस एक्स ए अपने को फर्स्ट है। अगे देखो जी ए सैकेंड ग्रुप की गल कर रहा मैं कोस इनवर्स माइनस एक्स अगे सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स अगे बेटा जी कोटेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स बिल्कुल सही गल है। हुण पता क्या देखो ये पूरा फस्ट ग्रुप है फस्ट ग्रुप च नैगेटिव एज इट इज बाहर आएगा बिल्कुल माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस को सीकेंट इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स ठीक है बच्चों ए अपने को क्या है ए अपने को सैकेंड ग्रुप है इहदे चो नैगेटिव का बाहर आता बिल्कुल कोई शक वाली गल नहीं इन्हां सारे चो नैगेटिव बाहर आएगा सारे चो पर एक पता खास गल क्या है थोड़ा मैं गल दसदा नाले क्या होना ए कोट इनवर्स एक्स नैगेटिव का बाहर आ गया पर बच्चों इन्हां सारे दे बाहर नाल क्या आएगा पाई। हाँ हुण देखो सारे जिन्ने असी फार्मूले पढ़े हुण ठीक है ये सारे ग्रुप वन ते ग्रुप टू च वंड के किन्ने ईजी हो गए ग्रुप वन दे विच नैगेटिव एज इट इज़ बाहर आएगा बेटा जी ग्रुप टू दे मैंबर च नैगेटिव जदों बाहर आएगा तो नाल क्या लगेगा पाई लगेगा ठीक है तो असी देख लिया देखो पहली गल फस्ट मैंबर ऑफ फस्ट ग्रुप प्लस फस्ट मैंबर ऑफ सैकेंड ग्रुप इज इक्वल टू फाइव बाय टू अगे फस्ट सैकेंड मैंबर ऑफ फस्ट ग्रुप प्लस सैकेंड मैंबर ऑफ सैकेंड ग्रुप इट इज इक्वल टू फाइव बाय टू थर्ड मैंबर ऑफ फस्ट ग्रुप प्लस थर्ड मैंबर ऑफ सैकेंड ग्रुप इट इज इक्वल टू फाइव बाय टू बाकी बेटा जी ग्रुप वन दे मैंबर चो जो नैगेटिव है ना वो एज इट इज़ बाहर आएगा पर ग्रुप टू दे मैंबर चो जो नैगेटिव आएगा ना बाहर तो बेटा जी नाल कितना लगेगा सारे दे विच पाई ये ख्याल रखियो। आई थिंक थानू सारे नू फार्मूले याद हो गए चंगी तरह कोई दिक्कत नहीं अगे आपां देखदे अगे हुण नैक्सट बेटा ठीक है आ देखियो हुण अपने क्वेश्चन है बेटा ठीक है एक्सरसाइज दे सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये करने तो पहले एक गल होर याद करो फिर मैं गल दसदा है ना वो क्या है देखो बड़ा सिंपल है नंबर नंबर वन पहली गल तो याद रखियो भी जीरो डिग्री मतलब जीरो रेडियम ये ठीक है अगे बेटा कई बच्चों को ये आता नहीं चंगी तरह है ना फिर मैं तुम्हें दस देना 30 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स नंबर थ्री अगे बेटा जी 45 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई बाय फोर नंबर फोर अगे 60 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई बाय थ्री तो नंबर फाइव अगे बेटा जी 90 डिग्री इट इज इक्वल टू पाई बाय टू तो जे कहो तो तुम दस देना होर अगे बेटा जी जो होंगे ना 180 डिग्री हाँ इट इज इक्वल टू पाई रेडियंस देखो लैफ्ट साइड से जो लिखे मैं ये सारे डिग्री है जो राइट साइड लिखे बेटा वो सारे क्या है रेडियन च है ठीक है। और एक गल होर सुनो साइन जीरो इट इज इक्वल टू जीरो अगे बेटा जी हाँ नैक्सट ठीक है जी साइन किन्ना जी पाई बाय सिक्स बिल्कुल इट इज इक्वल टू वन बाय टू अगे बेटा जी साइन पाई बाय फोर थोड़ा याद कर लो ना सही रहिंदा है ना वन बाय स्केयर रूट काफ़ी बच्चों नूं टेबल ही याद नहीं होंदे है तो बड़ी गलत गल है पर बेटा जी थोनू याद करने पैने ये गल बड़ी पक्की है अंडर रूट थ्री बाय टू अगे साइन पाई बाय टू इट इज इक्वल टू वन हुण जे देखिए तो बेटा जी ये होंदा कोस 90 हाँ ये बेटा जी कोस 60 वाह क्या बात है ये बेटा जी हुंदा कोस बिल्कुल ये साइन ते कोस ना 45 डिग्री कह लो जां कोस पाई बाय फोर कह लो गल इक्को ही है अगे बेटा जी कोस किन्ना जी ये 60 ते नैक्सट बेटा कोस ये किन्ना आ गया इट इज इक्वल टू 30 बिल्कुल एंड ये आ गया अपने कोस जीरो बिल्कुल ये सारा टेबल चंगी तरह बेटा जी तुम याद कर लेना सिंपल ही गल है देखो जीरो तो जीरो डिग्री इक्वल जीरो रेडियन 30 डिग्री होंगे पाई बाय सिक्स 45 डिग्री पाई बाय फोर ओके देखो जीरो डिग्री इक्वल टू जीरो रेडियन 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय सिक्स
45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। सो सिंपल, ठीक है। हुन बेटा जी असी करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, कोई समस्या नहीं, तुसी देखी जाओ ध्यान नाल, तुहानू बिल्कुल आराम नाल आने क्वेश्चन, ठीक है, और सब तो ईजी वे असी करांगे, ठीक है। हुन देखो बेटा जी, पहला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन। हुन देखो जी, ये है अपने कोले साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। सानू पता कि साइन इनवर्स फर्स्ट ग्रुप का मैंबर है, थानू पता। और बेटा जी फर्स्ट ग्रुप च क्या होंदा देखिए, आप फर्स्ट ग्रुप के नैगेटिव एज इट इज़ बाहर आता, नैगेटिव क्या आता बोलो जी, एज इट इज़ बाहर आएगा, ये गल बड़ी पक्की है। तो इतने क्या होना बोलो जी, बड़ा सिंपल है ना, हाँ, जो नैगेटिव एज इट इज़ बाहर आएगा तो बेटा जी ये आएगा माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू, बिल्कुल सही गल है। हुण दसो मनो वन बाय टू वैल्यू साइन किस एंगल पर अटेन करता बेटा जी, वो करता अपने को पाई बाय सिक्स, हाँ, तो कितना आंसर आएगा, इट इज इक्वल टू माइनस तो है ही है, इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स, बस क्या बात है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट, क्लियर है, हाँ। अगे बेटा जी नंबर टू, आ देखो कोस इनवर्स स्केयर रूट थ्री बाय टू। हुण दसो बेटा जी कोस इन जिहड़ा कोस है वो स्केयर रूट थ्री बाय टू वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता बेटा जी, बिल्कुल तुसीं सही बोल रहे हो, 30 पर। तो इहदा आंसर कितना आ गया, वंस अगेन 30 डिग्री, हाँ। अगे बेटा नंबर थ्री, हुण दसो मनो कोसीकंट इनवर्स टू। हुण बच्चों याद रखियो फार्मूला, थानू पता कि साइन इनवर्स वन बाय एक्स इट इज इक्वल टू कोसीकंट इनवर्स एक्स। हुण तुसी करना क्या, इहदा लिखो साइन इनवर्स ते टू दा लिखो वन बाय टू, बिल्कुल। तो बेटा जी ये भी कितना आ गया, इट इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, को डाउट, इट इज आल्सो इक्वल टू पाई बाय सिक्स, ठीक है बेटा जी। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, बिल्कुल, आ देखियो नंबर फोर, टेन इनवर्स माइनस स्केयर रूट थ्री, बिल्कुल सही गल है। तो बेटा जी नेगेटिव क्या आएगा, क्यों फर्स्ट ग्रुप है, नेगेटिव एज इट इज बाहर आएगा। हुण तुसीं दसो मनो कि टेन स्केयर रूट थ्री वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता, बच्चे ने बिल्कुल सही बोलिया 60 डिग्री। तो बेटा जी कितना आ गया, इट इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री, हाँ जी, शाबाश। नगे नंबर फाइव, अगे देखो बेटा क्या है, कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू, क्या जी, कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू। हुण बेटा जी बड़ा सिंपल है, देखो कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू, बेटा जी हुण सानूं पता कि ये ग्रुप है सैकेंड, सैकेंड ग्रुप च जदों भी नैगेटिव बाहर आएगा ना, आंदा है पर नाल क्या लगता बेटा जी पाई, इस गल का पहले ही ख्याल रखियो, हाँ बिल्कुल बच्चे समझ गए, ठीक है बच्चों। यही तो सानूं दस्सिया मैं कि जिहड़ा फस्ट ग्रुप है, फस्ट ग्रुप च तां थानूं पता फस्ट ग्रुप दे मैंबर किहड़े है, तुहानूं पता बेटा साइन इनवर्स एक्स, हाँ, कोसीकंट इनवर्स एक्स ते टैन इनवर्स एक्स। फस्ट ग्रुप दे मैंबर च नैगेटिव एज इट इज़ बाहर आएगा, पर बेटा जी सैकेंड ग्रुप दे मैंबर च, हाँ, जिहड़े सैकेंड ग्रुप दे मैंबर है उन्हां च जदों नैगेटिव बाहर आएगा तो बेटा जी नाल क्या आएगा, नाल अपने कोल आएगा पाई, ये ख्याल रखियो। देखो इन्हां च तां नैगेटिव जिहड़ा ना वो एज इट इज़ बाहर आ गया, नैगेटिव एज इट इज़ बाहर आ गया, नैगेटिव एज इट इज़ बाहर आ गया, पर बच्चों सैकेंड ग्रुप के मैंबर जो नैगेटिव बाहर आएगा तो बेटा नाल क्या आएगा पाई, नैगेटिव बाहर आएगा नाल बेटा कि आएगा पाई, तो नैगेटिव बाहर आएगा तो नाल बेटा कि आएगा, इट इज इक्वल टू पाई, हाँ ये ख्याल रखियो, ये बड़ी इंपोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हुण मेरे ख्याल से थानू किसी को कोई डाउट तो नहीं होना, हुण जो ये नैगेटिव, हुण दसो मनो कि बच्चो जिहड़ा वन बाय टू है ये कोस किस एंगल पर अटेन करता, बिल्कुल सही 60 पर। तो बेटा जी ये आ गया अपने को पाई बाय थ्री, एब्सोल्यूट बच्चों ये आ गया टू पाई बाय थ्री, आई थिंक क्लियर है, हाँ ठीक है जी, ओके।
अगे बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स माइनस वन, हूँ थोनों पता माइनस वन। बच्चों मैंबर कौन सा है? फर्स्ट फैमिली थर्ड मैंबर, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप थर्ड मैंबर कह लो, है ना, नेगेटिव एज इट इज बाहर आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओके तो बच्चों ये कितना आ गया, सानू पता भी टेन वन वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता, पाई बाय फोर, ये आ गया अपने को माइनस पाई बाय फोर। ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बिल्कुल। देखो असी सिंपल जी गल आई, पहली गलत याद रखियो भी जदों साइन के अंदर, जो देखो जो हूँ ये मैं थोड़ी एग्जाम्पल देना, एक ये अपने को एक अपने को मान लो सपोज करो कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू है, एक अपने को सपोज करो टैन इनवर्स माइनस वन है, एक सपोज करो, ठीक है। हूँ देखो जो ये आप हल करना तो यह फस्ट ग्रुप का फस्ट मैंबर है, तो फस्ट ग्रुप से बड़ा सिंपल है भी नैगेटिव एज इट इज बाहर आएगा, तो बेटा जी ये अपना आंसर आएगा माइनस फाइव बाय सिक्स। पर क्योंकि जरा ये है ये सैकेंड ग्रुप का फस्ट मैंबर है, सैकेंड ग्रुप है ना, तो बाहर आएगा नाल पाई। शाबाश बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये आ गया अपने को पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाय टू। हूँ देखो सानू पता भी ये वैल्यू करता सिक्सटी बटे एन, इट इज इक्वल टू टू पाई बाय थ्री। पर हूँ देखो टेन इनवर्स वन दे केस क्या है, ये फिर क्या आ गया बोलो जी, फर्स्ट ग्रुप थर्ड मैंबर नेगेटिव एज इट इज बाहर आएगा टेन इनवर्स वन। हूँ थानू पता कि टेन जड़ा ना वो वन वैल्यू पाई बाय फोर एंगल पर अटेन करता। हाँ देखो जरा टेन है वो वन वैल्यू किस एंगल अटेन करता, बेटा वो एंगल होंगे पाई बाय फोर, मतलब 45 डिग्री पाई बाय फोर, या गया इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। लो बेटा जी आई थिंक इट इज, हूँ थोड़ा बच्चों लग गया सारा पता, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हूँ देखो ध्यान, ये तो गल क्लियर होगी गल, ठीक है। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन बच्चा होर भी है अपने को, देखो हूँ अगे देखियो नंबर सैवन, सीकंड इनवर्स टू बाय स्केयर रूट थ्री। थानू पता कि सीकंड की वैल्यू थोड़ी जी देखनी औखी होंगी, तो करो कन्वर्ट कोस उल्टा के, ये आ गया कोस इनवर्स, पर नाल बेटा एंगल ना भी, एंगल नो भी बच्चों का लो रेसिप्रोकल, ये आ गया स्केयर रूट थ्री बाय टू, वेरी गुड। हूँ थानू पता कोस स्केयर रूट थ्री बाय टू वैल्यू किस एंगल अटेन करता, हाँ 30 डिग्री, एंड इट इज इक्वल टू, वेरी गुड बच्चों पाई बाय सिक्स। बच्चे ने कमाल करती। नंबर एट अगे बेटा जी कोट इनवर्स स्केयर रूट थ्री। हाँ बेटा जी देखो ये आ गया टेन इनवर्स वन बाय स्केयर रूट थ्री। हूँ तुम दसो बच्चो टेन वन बाय स्केयर रूट थ्री वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता, बिल्कुल 30 डिग्री, एंड इट इज इक्वल टू वंस अगेन पाई बाय सिक्स। ओके क्लियर। नंबर नाइन, हाँ कोस इनवर्स माइनस वन बाय स्केयर रूट टू, वाह बेटा वाह, नेगेटिव तो बाहर आएगा लेकिन जे सेकंड ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, आपको पता है कि सेकंड ग्रुप में बेटा जी क्या होता है, बड़ा सिंपल है कि फर्स्ट मेंबर सेकंड ग्रुप में जब भी नेगेटिव बाहर आएगा तो साथ में क्या आएगा, बिल्कुल बेटा जी पाई, ये आ गया अपने को पाई माइनस कोस इनवर्स वन बाय स्केयर रूट टू, इट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय फोर, एंड इट इज इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर आंसर, वेरी गुड। नंबर टेन, हूँ देखो बेटा कोसीकंड इनवर्स माइनस स्केयर रूट टू। हूँ देखो बेटा जी कोसीकंड इनवर्स माइनस स्केयर रूट टू, इट इज इक्वल टू कितना बेटा जी, कितना आएगा अपने को, वेरी सिंपल नेगेटिव बाहर आएगा, तो बेटा जी ये अपने को आ गया कोसीक, क्योंकि फर्स्ट फैमिली है, कोसीकंड इनवर्स स्केयर रूट टू, आगे बेटा जी माइनस ये आ गया साइन इनवर्स वन बाय स्केयर रूट टू, एंड इट इज इक्वल टू माइनस कितना जी, वाह पाई बाय फोर। लो बेटा जी ये अपने क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है। अगे देखते हैं आप कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हूँ देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ फूलिंग, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वही है, सिर्फ उन वैल्यूज एक एक नहीं कई सारी आ गई। हाँ आ देखो, कंसीडर टेन इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। हूँ बच्चों बड़ा सिंपल है, देखो पहले तो इदा करो, नेगेटिव है पहले नेगेटिव बाहर कढ़ो, देखो ए आ गया टेन इनवर्स वन, क्लियर है तुम्हें पता। ए देखो केड़ी फैमिली है, ए ग्रुप नंबर सेकंड है, ए ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर सेकंड जो जो नेगेटिव बाहर आएगा तो नाल क्या आएगा पाई, वेरी गुड, कोस इनवर्स वन बाय टू। ग्रुप नंबर फर्स्ट जो नेगेटिव बाहर आएगा तो वो एज इट इज बाहर आएगा, उसके नाल कुछ नहीं आएगा, हो बिल्कुल बेटा यही तो खास गल है, ग्रुप नंबर फर्स्ट विच नेगेटिव एज इट इज बाहर आएगा, तो ग्रुप नंबर सेकंड च जिहड़ा बच्चों नेगेटिव आएगा बाहर तो नाल क्या आएगा पाई। हुण गल है भी ग्रुप वन ते ग्रुप टू च मैंबर कि है, ग्रुप वन के मैंबर याद कर लो, पहला मैंबर साइन इनवर्स, सैकंड मैंबर कोसीकन इनवर्स एंड थर्ड मैंबर टैन इनवर्स। ग्रुप टू के जोड़े मैंबर है वो फस्ट मैंबर कोस इनवर्स, सैकंड मैंबर सीकन इनवर्स, फिर सुन लो ग्रुप टू के मैंबर कि है, फस्ट ग्रुप टू के मैंबर फस्ट मैंबर कोस इनवर्स, बच्चों फस्ट मैंबर कोस इनवर्स, सैकंड मैंबर सीकन इनवर्स एंड थर्ड मैंबर क्या बोलो जी कोटेंजेंट इनवर्स, ठीक है जी बिल्कुल सही बात है। हूँ देखो ए बेटा जी आ गया पाई बाय फोर, अगे प्लस तो है ही है, ये आ गया पाई माइनस, हूँ थोड़ा पता भी कोस जरा ना वो वन बाय टू वैल्यू अटेन करता 60 पर, तो 60 हों अपने को पाई बाय सिक्स पाई बाय सॉरी थ्री। अगे बेटा जी ये अपने आ गया माइनस, ये 30 एंगल है ये भी पाई हाँ ये करता कितने करता बना ए अटेन करता 30 पर, यह आ गया पाई बाय सिक्स, ये ख्याल रखिए ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बिल्कुल होना चाहिए 60 30। हूँ देखो ये आ गया पाई बाय फोर प्लस टू पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, तो बेटा जी एलसीएम आया अपने को 12, ठीक है जी बिल्कुल, थ्री पाई प्लस एट पाई माइनस टू पाई एंड इट इज इक्वल टू बच्चों 9 पाई बाय 12 एंड इट इज इक्वल टू 3 पाई बाय फोर। कोई डाउट बेटा जी, क्लियर है, सो सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल क्वेश्चन ठीक है। हाँ बस एक ख्याल रखियो कि पहले अपन ने नेगेटिव बाहर निकालिया, क्या निकालिया नेगेटिव बाहर, तो बच्चों ये सैकंड ग्रुप से तो जो नेगेटिव बाहर आया ना अपने को ठीक है, तो नाल क्या आया अपने को पाई, ये अपना फस्ट ग्रुप से तो जो नेगेटिव बाहर आया तो एज इट इज बाहर आया होर कुछ नहीं आना। देखो फस्ट ग्रुप के हरेक मैंबर चो नेगेटिव जो बाहर आएगा तो बेटा जी वो क्या होएगा वो एज इट इज बाहर आएगा, पर जो सैकंड ग्रुप के मैंबर चो नैगेटिव बाहर आना तो बेटा जी नाल क्या आना पाई आना, बस एक इस गल का ख्याल रखियो, बाकी मैं लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। अगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 ये भी नाल कर लेने, कोस इनवर्स वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू, कोई दिक्कत नहीं। आ देखो कंसीडर कोस इनवर्स 1 बाय टू प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाय टू, 2 साइन इनवर्स 1 बाय टू। हुण बोलो बेटा जी कोस इनवर्स 1 बाय टू, हुण कोस 1 बाय टू वैल्यू किस एंगल पर अटेन करदा, शाबाश 60 डिग्री, सभी बच्चे सही बोले पाई बाय 3 इंटू 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2, जो साइन है वो 1 बाय 2 किस एंगल पर अटेन करता 60 पर, तो बच्चों 60 हुंदा अपने को पाई बाय सॉरी 30 पर, हाँ 30 पर बच्चों हुंदा पाई बाय 6, वेरी गुड, ये आ गया अपने को बच्चों पाई बाय 3 यस प्लस पाई बाय 3, वेरी गुड बेटा ये अपने को आ गया 2 पाई बाय 3, मेरे ख्याल क्वेश्चन ये भी हो गया। तो डाउट बेटा किसी को डाउट हो तो प्लीज वो देख सकता है। अब चले आगे, हुन देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हुन थोनों मैं गल दसदा बेटा जी ध्यान नाल, एक ना एक क्वेश्चन बड़ी बार आंदा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई,
जे पुछो ना बच्चे नूं डोमेन किन्नी हुंदी तां बच्चे बड़ी जल्दी बोलदे वी डोमेन इहदी है माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल। जे पुछो बच्चों नूं बच्चों इहदी रेंज किन्नी हुंदी तां बच्चे बड़ी जल्दी बोलदे वी इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू क्लोज इंटरवल टू पाई बाय टू। बिल्कुल सही है, पर बेटा जी समस्या कित्थे आंदी, दिक्कत कित्थे आंदी, पता कित्थे आंदी? इह तां क्लीयर हो गई गल, डोमेन ते रेंज दी गल क्लीयर है, ठीक है। पर बेटा जी गल यह भी जदों पुछेगा भी वाई किस नूं बिलोंग करता ते एक्स किस नूं बिलोंग करता, तो बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होंगे भी जदों पुछेगा भी वाई क्या है तो बेटा जी एक्स क्या है। इस गल का ख्याल रखो जो ए एक्स है ना ये एक्स बिलोंगस टू डोमेन है। हाँ ये ख्याल रखियो, क्योंकि हुण इत्थे डोमेन रेंज नहीं पुछे उन्हें, उन्हें क्या पुछया, उन्हें पुछया वाई बिलोंगस टू या एक्स बिलोंगस टू। तो बेटा जो एक्स होंगे ना ये डोमेन है, जो वाई है ना हाँ वाई बिलोंगस टू रेंज है। इस गल का पहले ख्याल रखियो। हुण डोमेन इहदी किन्नी है तुहानू पता, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, तो रेंज किन्नी बोलो जी, यह है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ये ख्याल रखियो। तो अपने को पूछ रहा वाई बारे, गल कर रहा वाई बारे, ये मतलब जो वाई बारे गल कर रहा तो वाई क्या है वो रेंज है, क्या है रेंज, रेंज जी है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है। बड़ी सिंपल जी गल है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है। तो बेटा जी वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करैक्ट, क्योंकि इक्वल टू नाल है, ख्याल रखियो। ए नहीं आना, ये गलत है, ओके क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, जीरो टू पाई तो है नहीं, ओके जीरो टू पाई क्लोज इंटरवल भी नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स की गल हो रही है, तो ए अपने को बचो, ऑप्शन इज करैक्ट। कि बोलो जी, ऑप्शन बी इज करैक्ट, ऑप्शन बी इज करैक्ट। देखो गल कर रहा कि बोलो जी बाई की, एक ख्याल रखियो, थोनों पता होना जो गल बाई की हो रही है तो बेटा जी बाई क्या है, इस केस रेंज है। तो जे गल करे एक्स की तो बचो इस केस जो एक्स है वह डोमेन है। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होंगे बार बार, फिर मैं थोड़ा दस रहा बेटा जी हूँ थोड़ा मैं गल दसा होर भी आ देखियो, जे वो गल करे भी लैट वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, सानू पता भी डोमेन तो पता ही है कोस इनवर्स की माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल, रेंज भी सानू पता बेटा जी क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, वो तो पता। पर सानू एग्जैक्टली पूछ ले भी वट इज़ द डोमेन ऑफ द कोस इनवर्स एक्स फंक्शन, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, वट इज द रेंज ऑफ कोस इनवर्स फंक्शन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। पर जो पूछेगा वो बेटा जी बाई बिलोंगस टू, हाँ तो बाई बेटा जी वो रेंज है, ये ख्याल रखियो। तो रेंज किन्नी है, क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। तो बेटा जी जो एक्स है ये डोमेन है, तो बच्चों डोमेन किन्नी है, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। ये सारा खेल है, इस गल का ख्याल रखियो, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं आना होना। जिहड़ा बाई है, बाई का लिंक बेटा जी वह है रेंज नाल, ओके। जिहड़ा एक्स का लिंक है ये बेटा जी डोमेन नाल, तो डोमेन रेंज थोड़ा मैं पहले दसी चंगी तरह भी हाउ वी कैन फाइंड द डोमेन रेंज। बड़ी डिटेल च आपां देखिया भी तुसी करना क्या बेटा जी, इस पूरे फंक्शन नूं तुसी ग्रुप दे विच मंड लेना, ठीक है। देखो ध्यान नाल, ठीक है। तो वह ग्रुप सानूं पता भी दो ग्रुप सीगे अपने कोल, फस्ट ग्रुप एंड सैकंड ग्रुप। बचो फस्ट ग्रुप के मैंबर आ साइन इनवर्स, कोसेकन इनवर्स, टैन इनवर्स, ठीक है। डोमेन रेंज आप लिखी सारिया। तो बचो सैकंड ग्रुप के अपने को जो मैंबर है वह है कोस इनवर्स, सीकन इनवर्स के नाले कोट इनवर्स, ठीक है, ओके। डोमेन रेंज आप लिखी, बिना डोमेन रेंज तो तुम बेटा जी क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकते, ठीक है। उस तो बाद बेटा जी आप फार्मूले देखिए कि फस्ट मैंबर ऑफ फस्ट ग्रुप एंड फस्ट मैंबर ऑफ सैकंड ग्रुप इज, ठीक है, इट इज इक्वल टू पाई बाय टू। फर्स्ट मैंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड मैंबर ऑफ, सॉरी, सेकंड मैंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड मैंबर ऑफ सेकंड ग्रुप इट इज इक्वल टू पाई बाय टू। अगे बेटा थर्ड मैंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्लस थर्ड मैंबर ऑफ सेकंड ग्रुप इट इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो बच्चों फर्स्ट ग्रुप चो नैगेटिव एज इट इज बाहर आता, पर सैकंड ग्रुप चो देखो बच्चों फर्स्ट ग्रुप चो नैगेटिव एज इट इज बाहर आएगा, पर सैकंड ग्रुप के बच्चों पाई लगेगा। सम किया इजकल टू पाई बाय टू, पाई बाय टू इजकल टू पाई बाय टू, ठीक है। बच्चों मैं आस करता भी थोड़ा मेरा लैक्चर जरूर समझ आया होना। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।